में एक बार फिर नाबालिग दलित युवती दो युवकों की हैवानियत का शिकार हुई है। मामला नरसिंहपुर के गोटे गांव थाना अंतर्गत कुमझोर गांव का है, जहां पर 16 साल की दलित पीड़िता को गांव के ही एक आरोपी संतोष पटेल ने उसके साथी के साथ मिलकर नाबालिका का अपहरण कर उसे गाँव के बाहर ले गए और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। लेकिन आरोपियों द्वारा पहले नाबालिग पीड़िता से जमकर मारपीट की गई और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई, लेकिन मारपीट के दौरान पीड़िता बेहोश हो गई। तो इन हैवानों ने कांच की बोतल से पीड़िता पर कई वार किए और पीड़िता को वहीं छोड़कर भाग गए। पीड़िता के मुताबिक आरोपी संतोष पटेल कई दिनों से उसे परेशान कर रहा था, उसे और उसकी माँ को जान से मारने की धमकी भी दे रहा था, जिसकी गोटेगांव थाने में वह शिकायत करने भी गई थी, लेकिन उसकी शिकायत नहीं लिखी गई। हालांकि मामला मीडिया में आने के बाद पुलिस अब हरकत में आई है और नरसिंहपुर के अजाक थाने में परिजनों के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धारा 363, 366A और हरिजन एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। मैं आज सुबह 3 बजे लौट रही थी, तो दो लड़के थे, तो वो मेरे मुंह बंद करके वैन में ले गए स्कूल के घर। तो क्या बोलते हैं, उन्होंने उतारा मुझे और कोई खंभा लगा था, स्कूल का गेट था, तो उधर ही मेरे को ढकेल दिया, बाल पकड़े मेरे से पास हरकत करने की कोशिश की। और क्या बोलते हैं, उन्होंने वो दाद को जो बगू लेफ्ट हैंड में मारा, मेरे उधर तो फूटा नहीं, उन्होंने फिर कोई खंभा था उसमें फोड़ा और मेरे इधर लेफ्ट हैंड में मारा, गले में भी मारा और राइट हैंड में भी मारा। उनको लगा कोई आ रहा है, तो वो मतलब लेटा के मेरे को 4-5 ऐसे पैर मार के सीने में इधर और पेट के इधर मार के वो चले गए। मेरे को फरियाद नहीं, मैं बड़ी मुश्किल से वो साइड में चाचा रहते उसके घर गई, उनने मुझे पहचान लिया, वो पापा को बुला के लेके आए, तो पापा मेरे को लेके गए घर, फिर मैं बेहोश हो गई, मुझे याद है। अच्छा, इसकी शिकायत संबंधित थाने में की थी आपने? हाँ, गोटे गाँव के थाने का 3 तारीख को, इसी वजह से वो मेरे को परेशान कर रहा था, तो मैंने मतलब नल जाती थी पानी भरने के लिए, तो वो फालतू कमेंट कर रहा था मुझे, तो मैंने उसको समझाया, वो नहीं समझा, मैंने भैया से बोला, भैया को गाली करो उसकी, उसने भैया को मार दिया। गोटे गाँव में रिपोर्ट करवाई, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया। आज 1 हफ्ता हो गया, उसने जान से मार देने की धमकी भी दी, अगर आज उन्होंने कोई एक्शन लिया होता तो मेरा ये हाल नहीं होता। अच्छा, आज के कुमझोर जो गांव है, थाना ये गोटे गांव के अंतर्गत एक पीड़िता की माने आज शिकायत आवेदन पत्र हमें दिया है, जिस पर ये जो घटना है इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सर, किन किन धाराओं पे मामला दर्ज किया गया? धारा 363, 366A और STSC एक्ट के तहत इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे जांच की जाएगी। सर, पीड़िता द्वारा बताया गया है कि गोटे गांव थाने में भी 2 दिन पहले शिकायत की थी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 7-8 दिन पहले इसके भाई पे उसने मारपीट की थी, जिस पे NCR उस पर दर्ज की गई है। क्या सर, अब स्थिति कैसी है बच्ची की? अभी उसका मेडिकल कराया गया है, जिला अस्पताल में भर्ती है।